हरे कृष्णा, राधे राधे। माधवस किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ठाकुर जी के लिए प्यारी सी ड्रेस की प्यारी सी कैप, जो कि हमारी ये ड्रेस है, पोंचो वाली ड्रेस हमने आपको बताया था। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप देखकर बनाना सीख सकते हैं। और अब हम कैप बताएंगे, जो कि हमने इसकी मैचिंग कैप बनाई है, और ये कैप बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी है। ये देखिए सेम मैचिंग कैप बनाई है हमने, और इसमें हमने ये डोरी डाल के पल्स भी लगाए, मोती लगाए हैं। तो आइए आज हम ये बनानी सीखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये हमारे 6 नंबर ठाकुर जी की कैप है, जो कि अब हम 4 नंबर ठाकुर जी की कैप बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम ये वूल लेंगे, सेम हमने वूल ले लिया। इसको हम रिंग करेंगे, रिंग बनाने की तरह इस तरीके से हम रिंग बनाएंगे। रिंग पर अपना वर्क स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, 1 2 3। ये हमने 3 चेन ली है क्रोचेट हुक के ऊपर, इस तरीके से धागा चढ़ाएंगे। फिर हम यहाँ पे क्रोचेट बनाएंगे, जो कि डबल क्रोचेट इस तरीके से बनाती है। ये 3 का 2, ये हमने देखिए 3 का 2 और 2 का 1, इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से मुझे इस रिंग के ऊपर 12 क्रोचेट बनानी है। ये देखिए, हमने अपनी ये रोल इसके लास्ट में आगे, मैंने जैसे आपको बताया था, हमने इसमें 12 क्रोचेट बना ली है। 12 क्रोचेट बनाने के बाद इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देते हैं। जो हमारा ये फर्स्ट क्रोचेट है, इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमने ज्वाइंट कर दिया। और ये जो हमारे यहाँ पे धागा है, इस धागे को हम यहाँ पे थोड़ा टाइट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हमें नेक्स्ट रो करनी है। नेक्स्ट रो करने के लिए ये 3 चेन लेंगे। ये देखिए, 3 चेन लेने के बाद जस्ट इसी के साथ में हम 1 क्रोचेट बनाएंगे, 3 का 2 और 2 का 1। ये क्रोचेट बनाने के बाद, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये 12 क्रोचेट है, इसमें हम 3 क्रोचेट बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। जैसे कि एक यहाँ पर, एक इधर, एक इधर, तो हम 3 क्रोचेट इंक्रीज करेंगे। और जैसे कि हम बढ़ाने के, मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। जैसे डबल क्रोचेट बनाया, ये 2 के बाद ये 3 जो हमारा क्रोचेट होगा, इसमें से इसी जो हमारा ये चेन है, चेन के इसी में लूप में से, चेन में से हम दोबारा सेकंड टाइम भी, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम इसमें क्रोचेट बनाया, सेकंड टाइम भी हम इसी के अंदर से लेकर क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा इंक्रीज हो गया इसी तरीके से। जैसे मैंने फर्स्ट इधर बढ़ाया, सेकेंड और थ्री, हम इसे 3 क्रोचेट बढ़ाएंगे, और हमारे आगे इसमें 12 के बाद 3 बढ़ाएंगे तो 15 हो जाएंगे। तो सेम है प्रोसेस, ये रो इसी तरीके से यहाँ तक लेकर आऊंगी। ये देखिए, हमारी सेकेंड रो कंप्लीट होती है। सेकेंड रो में जैसे मैंने आपको बताया था, हमने इसमें 3 क्रोचेट बढ़ाए हैं, जैसे 1 2 और 3। ये देखिए, तो हमारे 12 के बाद 3 बढ़ाने के बाद 15 हो गए हैं। अब नेक्स्ट अगले रो करने के लिए 1 2 3, ये 3 चेन बनाई हमने। 3 चेन बनाने के बाद इसके बाद हमें इस तरीके से क्रोचेट बनाना है। जस्ट एक इसी के साथ में बनाया है, तो हमारा ये क्रोचेट बढ़ गया एक, और नेक्स्ट फिर बढ़ा करना है हमें। अब क्या है कि इस रो में हमें 2 क्रोचेट बढ़ानी है, तो 1 इधर बढ़ाएंगे और 1 इधर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें छोटी कैप है, तो हम इसे इस रो में 2 क्रोचेट बढ़ाने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्रोचेट बढ़ाने के लिए। अब मैं सभी क्रोचेट के ऊपर क्रोचेट करते हुए 1 इधर बढ़ाएंगे 1 इधर बढ़ाएंगे, ये रो मैं इसी तरीके से कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, हमारी 3rd रो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हमें नेक्स्ट रो करने के लिए 1 2 3, ये 3 चेन लेने के बाद हमें स्टार्टिंग हमेशा 3 चेन से करनी होती है, जब हमें डबल क्रोचेट बनाना होता है। तो उसके बाद ये रो भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, जैसे कंप्लीट करने से मैं आपको पहले बताना चाहूंगी, क्रोचेट के ऊपर क्रोचेट ही बनाएंगे, और जैसे कि ठाकुर जी के, जैसे हमारे उनके सर का नाप होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे क्रोचेट बढ़ाने या कम करने होते हैं। तो उनके साइज के अकॉर्डिंग हमें इसके यहाँ पे बनाना होता है। तो जैसे हमारे ठाकुर जी के लिए मैं इसमें 2 क्रोचेट और बढ़ाऊंगी, इस रो में हमने 2 बढ़ाए हैं, इस रो में भी हम 2 और बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से इसमें 2 रो बढ़ाते हुए इसी तरीके से मैं ये अपनी रो भी कम्प्लीट करूंगी। ये देखिए, हमारी 3rd रो यहाँ पर कम्प्लीट होती है, जो कि मैंने अभी ज्वाइंट नहीं किया है। ज्वाइंट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमने यहाँ पर हर रो में हमने सबसे पहले फर्स्ट रो में 12 लिए, फिर हमने 3 बढ़ाए हैं क्रोचेट,
फिर हमने 2 बढ़ाए हैं और फिर हमारे 2 हैं, तो ये 12 और 3 30 15 15 और 2 इधर बढ़ाए हैं 17 और 2 इधर बढ़ाए हैं तो 19, तो हमारे 19 क्रोचेट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो हमारे ये 19 क्रोचेट होती हैं। अब इसको हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए, और इस रो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हुए अपना धागा कट कर देंगे, क्योंकि आगे हमें डिज़ाइन बनाना है। तो ये 1 2 3 4 ये हमारी 4 लाइन है, 4 लाइन के बाद आगे हम इसमें जो हमारा डिज़ाइन है तो उसमें डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए हमने इसे धागा कट कर दिया, अब दूसरा धागा हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए मैंने इस कलर का यहाँ पे नॉट लगा दिए ज्वाइंट करने के लिए, और ये धागा कट करके इसको इसी के साथ में यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। तो अपना वर्क हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हम चेन लेंगे, ये जो यहाँ पे धागा है इसको भी, इन दोनों धागों को इस तरीके से हम यहाँ पर साथ में इसी रो के यहाँ पे साथ में रखेंगे। तो अब यहाँ पर हमने 1 चेन लिए, 2 एंड 3 चेन लेने के बाद अपना यहाँ पर क्रॉचेट बनाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे 1 और 2, ये 2 क्रोचेट हो गए, 3 4 5, ये 5 क्रोचेट बनाने के बाद इस तरीके से ये दोनों धागों को यहाँ पे इस तरीके से लाते हुए यहाँ पर हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे इसको। इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद एक चेन ली हमने, 1 2 2 चेन लेने के बाद इस तरीके से अपना ये जो यहाँ पर है इस साइड से अपना वर्क करेंगे इस तरीके से। ये देखिए क्रोचेट बनाते हुए इस तरीके से इस जगह से हम अपना वर्क जो करेंगे, हम इस साइड से अपना वर्क करेंगे। तो हमने हमारे यहाँ पर है 1 2 3 और एक चेन थी हमारी 4 और एक और 5 क्रोचेट हमें बनाने होते हैं एक ही जगह से। फिर एक चेन बनाई, एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। ये ज्वाइंट करने के बाद ये देख लेना कि आप 2 के बाद भी कर सकते हो और 3 के बाद भी कर सकते हो, जैसे कि आप हम बड़ी कैप है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और छोटी कैप है हमें पास थोड़ा पास करने तो इस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पर ज्वाइंट, एक हम बैक भी ले सकती हैं। तो हमें ये चीज़ ज़्यादा जो हम बना रहे डिज़ाइन बना रहे अपना, तो ये डिज़ाइन हमारा थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा इस तरीके से करते हुए। फिर चेन लेंगे, तो ये 2 चेन ले ली हमने, 2 ही चेन लेंगे, तीसरी में चेन में अपना वर्क करना होता है इस जगह से, हम अपना फिर वर्क करेंगे। फिर क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक चेन, जैसे ये छोटी कैप है तो एक चेन स्किप करने के बाद सेकंड चेन में हम इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारे थोड़ा पास में और सुंदर प्यारे से हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। इसी तरीके से मैं ये रो यहाँ पर कंप्लीट करूँगी, जैसे कि मैंने आपको ये बताया इसी तरीके से हमें ये पूरी कंप्लीट करनी है। ये देखिए अब मैं यहाँ पर इस रो के लास्ट में आ गई, तो अब इसको यहाँ पर हम लॉक कर देते हैं इस तरीके से। ये अपना हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया अपने धागे को, और ये मैं धागा यहाँ पर कट कर दूँगी। ये जो हमारा धागा है अपनी वूल को इस तरीके से इसी कलर में हम यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे अपने धागे को। ये देखिए हमने अपने धागे को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, और ये हमारी कैप यहाँ पर तैयार होती है, और बहुत बनाने में इजी और बहुत ही देखने में बहुत खूबसूरत है। आइए इसमें अब आगे हमें इस तरीके से डोरी बना के, जैसे कि हमने यहाँ पे डोरी बना के इसमें पल्स लगाए हैं, मोती लगाए हैं 8 नंबर के, ऐसे ही इसमें भी हम कैप में आप आपको मोती लगाना और डोरी बनाना बताती हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे नॉट लगा के इस तरीके से हमें चेन बनानी है। ये देखिए जितनी हमारी इस कैप में चेन एडजस्ट होगी, तो काउंटिंग इस नहीं मैं आपको बता पाऊंगी, तो इस तरीके से इतनी चेन इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे आगे। ये देखिए मैंने चेन बना ली है, इस धागे को मैं यहाँ पर कट कर देती हूँ।
ये हमारी चेन है, इसमें इस तरीके से कैप के अकॉर्डिंग हमें ये यहाँ पर चेन बनानी है। इस चेन को हम क्रोशिए के लेकर इस तरीके से हम इसके यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमें फ्रंट बनाना है, सामने करना है, तो बनाने के लिए आप इस रो पर भी कर सकते हैं और इस रो पर भी कर सकते हैं। तो आप जैसे भी जहाँ भी करना चाहे, ये देख लेना, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं क्रोशिए से और यहाँ पर भी। ये छोटी कैप है तो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे ही करूँगी इस जगह पर। तो ये दो इस तरीके से पकड़ने के बाद ये देखिए इस तरीके से क्रोशिए में हम ये क्रोचेट उठाएंगे। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, इस तरीके से हम क्रोशिए को इस तरीके से निकालते हुए टू क्रोचेट नीचे और टू क्रोचेट ऊपर करते हो इस तरीके से। ये जो हमारी डोरी है हमने बनाई है चेन की, इसको यहाँ पे क्रोशिए में डालने के बाद इस तरीके से बहुत ही आराम से इस तरीके से हम इसको इसमें से निकालते हुए ये देखिए इसी तरीके से मैं पूरी रो में ऐसे कैप के अंदर इसमें डाल दूंगी इसको। ये देखिए हमने ये चेन यहाँ पर पूरी कैप के अंदर पिरो दिया है। तो कितने खूबसूरत प्यारे तरीके से, जैसे हमारी कैप छोटी है तो हमने इस रो में इसको पिरोया है। ये दो क्रोचेट करते हुए मैंने आपको बताया है। और हमारी जैसे कैप, ये वाली कैप हमारी बड़ी है तो इसमें नीचे ना करके हमने थोड़ा ऊपर एडजस्ट किए और ये तीन क्रोचेट नीचे और दो क्रोचेट ऊपर करते हुए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको नीचे किया है, तो बहुत सुंदर और प्यारी सी कैप के अंदर हमने डोरी लगाई है। अब इसमें क्या हमें अपनी ये मोती लगाने हैं। मोती इस तरीके से यहाँ पे इसमें ये जो हमारे धागे हैं वूल है, तो वूल में इस तरीके से इसके अंदर हम इसको पिरो लेंगे। ये देखिए हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है और कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप भी मैचिंग कैप बनानी इस तरीके से ड्रेस के साथ बनाइए और अपने ठाकुर जी को पहनाइए। मैं आशा करती हूँ मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग राधे राधे।